Hello friends, this is Dr. Will Kumar Shilu, and I warmly welcome all you people in my channel name Viral Shilu. बहुत टाइम बाद हम लोग रोड ट्रिप के लिए निकले हैं फैमिली के साथ. ज़्यादातर हम लोग बाहर जाते हैं लेकिन कार से नहीं जाते. इस बार वी हैव डिसाइडेड कि नज़दीक का कोई भी प्लेस ले और कार से जाते हैं. एंड वी हैव फाइनलाइज्ड टू विजिट माउंट आबू. इस अराउंड 500 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर वी लिव. और हम लोग फाइनली माउंट आबू के लिए निकल गए हैं और शाम तक मेरे ख्याल से हम लोग आबू रोड पहुंच जाएंगे. थोड़ी देर पहले ही अहमदाबाद क्रॉस हुआ और अभी हम लोग थोड़ी देर में मेहसाना पहुंचने वाले हैं. वैसे मेहसाना से मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई है क्योंकि मेरा एकेडमिक करियर मैंने बहुत साल पहले मेहसाना से स्टार्ट किया था. तो आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड कि काफ़ी टाइम बाद मैं मेहसाना से मतलब के पास होने वाले हैं, क्योंकि अहमदाबाद से अगर आबू रोड जाते हैं तो सबसे अच्छा रास्ता मेहसाना से होकर ही जाता है. और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं और वो भी कार में. बहुत अच्छा लग रहा है श्रीद्यान. तो फ्रेंड्स, अभी रास्ते में हमने ब्रेक लिया बर्गर किंग पे, लेकिन वैसे ब्रेक नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे ड्राइव हुए तो हम लोग कार में ही खाना ले लेंगे. ये चले अंदर. तो यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया है और यहाँ पे आगे वाले विंडो पे हमको पेमेंट करना है. मेरे ख्याल से श्रीजान का फूड रेडी हो गया है और अभी हम लोग पार्सल लेके यहाँ से निकलने वाले हैं. श्रीजान, इसमें से अगर कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैं भी टेस्ट करूँगा, खास करके जो चॉकलेट मिल्क शेक है मेरे ख्याल से मैं वो प्रीफर करूँगा. श्रीजान, यहाँ का मिल्क शेक भी आ गया है, इसमें से मैं टेस्ट करूँगा. और मम्मा को और श्रीजान को अगर चाहिए तो पूछ लेता हूँ. कश्मीर, आप कुछ लोगे? ओके, श्रीराम को मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, वो सो रहा था अभी, तो उसे डिस्टर्ब नहीं करती. ये लो श्रीराम. ठीक है. तो फ्रेंड्स, हम लोग बर्गर किंग से निकल गए और श्रीद्यान ये कह रहा था कि वैसे बर्गर किंग में तो शायद एक या दो बार गए हैं पहले, लेकिन जो ड्राइव थ्रू का एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से वो फर्स्ट टाइम का है. और श्रीद्यान, ये सच में बहुत ही टेस्टी है. 187 रुपीज में पूरा मील आया है. श्रीद्यान, मेरे ख्याल से तुम इतना ज्यादा शेक कम्प्लीट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं भी थोड़ा शेयर कर रहा हूँ. आई होप यू डोंट माइंड. ओके फाइन श्रीजान. तो श्रीजान, वाकई में ये चॉकलेट मिल्क शेक बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और मैं मम्मा को भी टेस्ट करने देता हूँ. मम्मा, कैसा लगा मिल्क शेक? मम्मा, हम लोग माउंट आबू घूमने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे तो मुझे हम लोग कहीं भी जाते हैं अच्छा ही लगता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और सबसे ज्यादा श्रीज्ञान और विरल एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग कार से फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, वो भी इतनी बड़े लॉन्ग ट्रिप पे. अभी हम लोग आ चुके हैं राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे और यहाँ पे हमारी इकोपोर्ट की रिफिलिंग हो रही है क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था. तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँचने वाले हैं राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पे. अभी यहाँ से एक दो किलोमीटर है और आबू रोड भी 12 किलोमीटर. थोड़ा थोड़ा ही याद है.
तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं माउंट आबू हमारे होटल पे। ये खड़ी है हमारे इको स्पॉट और यहाँ है हमारा रिसेप्शन। यहाँ पे पापा डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं रूम में और ये रहा हमारा रूम। यहाँ पे थक गए इसलिए मम्मा पापा तो बैठे पापा सो गए ऐसे ही। ये रहा मैंने तो पहले से हुडी पहन रखी और ये हमारा पूरा रूम। अभी मैं आपको दूसरा रूम भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पापा और मम्मा सोएंगे और मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ जहाँ पे श्रीराम और मोटा में मतलब मेरे दादी सोएंगे। यहाँ पे दरवाजा बंद करके रखा है, ये खोल गया। ये श्रीराम ये रहा, ये है दूसरा रूम। फ्रेंड्स आपने रूम तो देख लिया, दोनों रूम देख लिए। अभी यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है, पापा ने कहा तो अभी कुछ ऑर्डर करते हैं, कॉफी ऑर्डर करते हैं। पापा हॉट कॉफी, मैं यही कहने के लिए आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग माउंट आबू आ गए हैं और यहाँ का मौसम वाकई में बहुत ही कोल्ड है। अभी मेरे ख्याल से अराउंड 12 या 13 डिग्री सेल्सियस होगा और हम लोग रात को खाने आए हैं और सब लोग देख रहे हैं कि क्या खाना खाया जाए। सभी को थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लग रही है और थोड़े थक भी गए हैं, तो मेरे ख्याल से कल फ्रेश होके ज़्यादा मज़ा करेंगे ऐसा भी हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग सोच गए हैं माउंट आबू सब कुछ सही रहा है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। हम लोगों ने होटल जो है वो ऑनलाइन बुक करवाई थी, तो यहाँ पहुँच के मतलब कि मिरल को होटल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तो शायद हम लोग कल सुबह होटल चेंज कर देंगे। अभी खाना खा के हम लोग दूसरी यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे ख्याल से होटल से, ये मेन एरिया है माउंट आबू का, तो खाना खा के हम लोग देखने जाते हैं। और वैसे जो होटल में हम लोग अभी रुके हैं वो इतनी बुरी तो नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं ना कि अच्छा फील नहीं आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग दूसरी होटल देख के नज़दीक भी आ जाते हैं और अपनी होटल चेंज कर देते हैं। वहाँ पे तो दो दिन रुकना मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखते हैं अभी होटल हम लोग चेंज कर देंगे। मोटा मैं अभी देख रहे हैं क्या खाना ऑर्डर करना है। उनको मैंने पूछा कि डोसा चाहिए क्या, मसाला डोसा, तो मना बोल रहे हैं कि मैं मेनू देख के मैं अपनी चॉइस का खाना ऑर्डर करूंगी। देख रहे हैं अभी। तो श्रीध्यान हम लोग मेरे ख्याल से 5-6 साल बाद माउंट आबू आए, आपको कैसा लग रहा है अभी माउंट आबू आके?